देखिए आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक सॉन्ग जो है जगटी लुधियाना दी, इसको रिलीज़ करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो कलाकार इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, उसमें हमारे बीच में शफाली जी हैं, इनका ही गाया हुआ ये सॉन्ग है। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, अगर हम इस इवेंट की बात करें तो एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें यहाँ पर मौका दिया है इस सॉन्ग को इसको इनॉग्रेशन के लिए, मैं अमित जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जम्मू में इस तरह के जो इवेंट्स शुरू हुए हैं, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है। हम चाहते हैं कि भाई और भी लोग जो हैं इस तरह से इन इवेंट्स में शामिल होकर के और जम्मू की जनता को, जम्मू के जो युवा हैं, उन लोगों को एक संदेश दें कि आप भी आगे आइए और इस तरह के इवेंट्स करिए, और ताकि आपकी जगह जो है वो यूट्यूब में भी मिले आपको और अदरवाइज़ लोग आपको पसंद करें, आपके गानों को पसंद करें। टैलेंट की जम्मू में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन लोगों को एक सहयोग मिलना चाहिए, पब्लिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सोशल मीडिया का, वो नहीं मिल पाता। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कश्मीर में जाकर के अपने प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स जब जम्मू में होंगे तो उनका ध्यान जो है इस बात पे ज़रूर जाएगा कि जम्मू में भी टैलेंट है और हम लोग जो हैं जम्मू में भी इस तरह की प्रोग्राम्स जो हैं, इस तरह की शूटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने चैम्बर की तरफ से आज की इस नई टीम को मुबारकबाद देता हूं, और स्पेशली अमित जी को जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये जो सॉन्ग है उसमें अमित जी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इन्हीं के द्वारा एक प्रमोशन जो है वो जो आज के इस सॉन्ग की है। एक बार फिर टीम को मुबारक, शफाली जी को मुबारक, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि युवा जो हैं वो नई चीज़ें लेकर के आगे आएं, नए टैलेंट्स के साथ आगे आएं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको ऐसे मिलेंगे जो उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। मैं जिस तरह से जहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जो भी हो रहा है अपने बल बूते पे हो रहा है, जो कलाकार है अपने बल बूते पर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इसका जो है योगदान नहीं है, क्योंकि दो अभिनव थिएटर है, कला केंद्र है, उनकी बदतर हालत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से या जो जम्मू के शहरी हैं जो इनको प्रमोशन के लिए, अगर मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, और हम लोग अगर इनकी प्रमोशन करते हैं, क्योंकि हर एक के बस में नहीं होता है कि भाई अच्छा गीत तो वो गा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं फाइनेंशियली वीक होने की वजह से। और मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ज़रूर कहना चाहूँगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहना चाहूँगा, बड़े बड़े बिग हाउसेज जो हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो टैलेंट्स हैं
उनको प्रमोशन दीजिए, उनको फाइनेंशियली मदद करके, ताकि वो लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू में ना रह करके जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉम्बे की है चाहे वो साउथ की है, उसमें उनकी सहूलियत हो सके, उनकी मदद करनी चाहिए। सर, ये हमारी जम्मू की बेटी सोनी टीवी पे आती है, अर्शिया शर्मा, आज एग्ज़ाम होने के कारण जम्मू में है, और मैं चाहता हूँ अरुण जी इन्हें आज सम्मानित करें, मेरी बेटी को, और जिसने जम्मू का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है सुपर डांस इंडिया से। आगे बढ़े, बस हम आपके साथ हैं, ठीक है। और ये अरुण जी को हम सम्मानित कर रहे हैं पूरे जम्मू वाले, ताकि हम सब एक होकर आगे इंडस्ट्री को आगे लेकर आए और जम्मू का नाम बने, जैसे इस बच्ची ने हमारे डोगरों का नाम रोशन किया है। अच्छी ने, गॉड ब्लेस यू।